अब काफी ज्यादा वहां पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन बल भी है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि अगले आने वाले कुछ दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक और तनातनी का मुद्दा बन सकता है, वो है जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर खुद जाने वाले हों, ऐसे में सेक्शन 144 लगा दिया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ये बड़ा मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बनना तय है। आपको बता दें कि नालंदा में हिंसा की आग कैसे एक बस तक पहुंच गई, ये संवाददाता शशांक की रिपोर्ट देखिए। नीतीश के गृह जिले नालंदा में रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा भड़की है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे दो लग्जरी बस है, इसको भी आग के हवाले किया गया है। देखिए, आगजनी की गई है, बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, अभी भी धुआं जो है बस के अंदर से निकल रहा है। पुलिस प्रशासन नींद में थी, उसी के कारण ये सब हुआ है। अगर वो लोग अलर्ट मोड में रहते तो ऐसी घटना नहीं होती। रामनवमी के समय अक्सर जुलूस जब निकलता है तो तनाव देखने को मिलता है, झड़प हो जाती है दो पक्षों में। पुलिस प्रशासन को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है और उसी का ये नतीजा है। आप देखिए किस तरह से आगजनी यहाँ पे की गई है। दो बस है, दोनों लग्जरी बस है, दोनों बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। अब टायर देखिए, अंदर की सीटें देखिए, कुछ नहीं बचा है। एक बस को लगभग 30 से 40 लोग मिलकर आग लगा रहे थे और उसी का ये नतीजा है कि ये बस पूरी तरह जल चुका है। आपको हम तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं बिहार शरीफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।